जय हिंद जय बिहार। मनीष कश्यप की अगली तारीख 7 तारीख यानी कि कल है और मनीष कश्यप पूर्ण रूप से कल बेतिया के कोर्ट में उपस्थित होंगे। जहां तक कि पूरी जानकारी मिली है, पहले भी जानकारी मिली थी कि उपस्थित होंगे लेकिन उपस्थित नहीं हो पाए थे, लेकिन अब की जो जानकारी मिल रही है पूरी तरह से लग रहा है कि मनीष कश्यप की उपस्थिति बेतिया के कोर्ट में होने वाली है। हालांकि जितने भी लोग हैं, मैं उन सबसे यही आग्रह करना चाहता हूं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों ने चलाया भी, आप लोगों को बताया भी कि मनीष कश्यप कल बेतिया कोर्ट आ रहे हैं, तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से किसी रूप में बेतिया पहुँच करके ज़्यादा भीड़ भाड़ कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी भाई अगर इस न्यूज़ को दिखा रहे हैं कल मनीष कश्यप बेतिया आ रहे हैं, तो ठीक है, आ रहे हैं तो आ रहे हैं, वो कानूनी प्रक्रिया पूरा करने आ रहे हैं, वो पूरा करेंगे और कानून पर हमें भरोसा है, कानून हमें न्याय देगा। और मनीष कश्यप पूर्णतः जब जेल से बाहर निकलेगा तो मनीष कश्यप खुद बिहार के 38 जिला में घूमने का काम करेगा और सबसे मुलाकात करने का काम करेगा। तो निश्चित रूप से अगर मनीष कश्यप कल आ भी रहे हैं तो भी हम लोगों को वहां पहुंचकर गैदरिंग या भीड़ भाड़ नहीं करना है, जैसा कि बहुत सारे न्यूज चैनल वाले चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन सब चीज़ को देख करके वहाँ पर भीड़ करने की भी जरूरत नहीं है। मनीष कश्यप अगर आ रहे हैं तो उनको आने दिया जाए और मनीष कश्यप आएंगे और वहाँ पहुँचकर जो भी प्रक्रिया हो प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो निश्चित रूप से हम आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर मनीष कश्यप वहाँ आ रहे हैं तो उनको आने दिया जाए, प्रक्रिया को पूरा करने दिया जाए, किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में हम लोगों को वहाँ पर खड़ा होकर या पहुँच कर या जाकर वहाँ पर किसी भी प्रकार का वहाँ पर विघ्न बाधा या ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन अगर इतना लेट किया है तो निश्चित और निश्चित रूप से मनीष कश्यप को लेकर के वहाँ पे अगर प्रशासन उनको लाने में अगर इतना लेट किया है तो निश्चित और निश्चित कहीं ना कहीं रूप से उसको या पता था कि अगर मनीष कश्यप पॉपुलर चेहरा है वहाँ पहुँचने के बाद बहुत सारी भीड़ हो जाएगी, सुरक्षा में चूक हो सकती है, विधि व्यवस्था में चूक हो सकती है। अगर आप लोग भीड़ वहाँ करते हैं तो निश्चित रूप से जरूरी नहीं कि मनीष कश्यप के केवल समर्थक ही वहाँ जाते हैं, उनको बदनाम करने की साजिश से कुछ और लोग भी भीड़ में जाके कुछ इधर का उधर या उधर का इधर कर सकते हैं। तो आप सभी समर्थन करने वाले सभी साथियों से आग्रह है कि आप जहाँ हैं जहाँ से हैं वहीं से समर्थन करें, वहीं से आशीर्वाद दें, वहीं से सपोर्ट बनाए रखें। अगर मनीष कश्यप कल आ भी रहे हैं तो ठीक है, आने दीजिए, उनको प्रक्रिया पूरा करने दीजिए। हम लोगों को कानून में, हम लोगों को सिस्टम को सहयोग करना है, संविधान को सहयोग करना है, न्यायालय को सहयोग करना है। न्यायालय निश्चित रूप से न्याय करेगी, न्यायालय के में किसी भी मामले में हस्तक्षेप हम लोगों को नहीं जाके करना है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले चला रहे हैं, चलाने दीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक आप लोग पहुँचाने का काम करिए और सबको जरूर कहिए कि किसी को भी जाके न्यायालय में भीड़ लगाने की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं। निश्चित रूप से अगर मनीष कश्यप आ रहे हैं तो न्यायालय की प्रक्रिया पूरा करने आ रहे हैं, उनको आने दिया जाए, न्यायालय की प्रक्रिया पूरा करेंगे। हम हमेशा हम लोग संविधान का सम्मान किए हैं, न्यायालय का सम्मान किए हैं और मनीष कश्यप अगर जेल से बाहर आते हैं तो निश्चित रूप से पूरा बिहार घूमने का काम करेंगे। कहीं से न्यायालय की किसी भी प्रक्रिया में हम लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना, कानून को हाथ में नहीं, कानून को साथ में लेकर चलने का काम करना है। हम लोगों ने किया भी है, हम लोगों ने यह साबित करने का भी काम किया है। तो आगे आने वाले समय में भी मनीष कश्यप से रिलेटेड अगर कोई खबर आपको मिल रही है तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं। मनीष कश्यप हालांकि पहले भी 5 तारीख मिली है लेकिन नहीं है, लेकिन कल की भी तारीख है, देखिए कल मनीष कश्यप आ रहे हैं तो आएंगे तो प्रक्रिया पूरा करेंगे। कि कोई लोग चला रहे हैं कि नहीं कल आ ही रहे हैं तो इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अगर आ भी रहे हैं, मान लेते हैं कि आ भी रहे हैं, तो आने दीजिए, प्रक्रिया पूरा करने दीजिए, वहाँ भीड़ और गैदरिंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार से किसी के भी बहकावे में या चढ़ाने में नहीं जाना है वहाँ पर। मनीष कश्यप अगर आ रहे हैं तो आने दीजिए, उनको प्रक्रिया पूरा करने दीजिए, बस इतना ही कहना चाहते हैं। जय हिंद जय बिहार।